हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा मर्चेंट। मेरे लॉन एंड ऑन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हर्बल हेयर ऑयल, जो बालों की कोई भी समस्या के लिए आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हर्बल हेयर ऑयल बनाने के लिए ये मैंने सरसों का तेल लिया है 200 ml और कोकोनट ऑयल 200 ml। दोनों को हाफ हाफ लेना है। अगर आपको सरसों की स्मेल नहीं अच्छी लगती है तो आप सरसों का और कम भी ले सकते हैं, 100 ml और 300 ml है, वैसे भी आप ले सकते हैं। ये दोनों ऑयल के लिए अंदर हमें ये जो हमारी अनियन रहती है, प्याज, दो प्याज ली है मैंने, उसको पेस्ट कर लेना है। उसमें पानी नहीं डालना है ग्राइंड करने में। अगर नहीं ग्राइंड होता है तो आप थोड़ा उसमें ऑयल ही डाल दीजिए, कोकोनट या सरसों का ऑयल। और उसके में हमें ये हमारे कड़ी लीव्स डालने हैं। ये सब डाल के हमें इसे पका लेना है जब तक ये प्याज का कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाए। फास्ट फ्लेम पे रख के इसको उबालना है। अनियन ऑयल जो इसमें बनेगा इसका, तो हेयर फॉलिंग के लिए, ग्रेस हेयर के लिए, बहुत ही रफ है, ड्राई है जिसके हेयर, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से बेनिफिट देगा। सोने के टाइम पर लगा के आप, बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसी को अगर ऑयल बहुत ज़्यादा बालों में नहीं अच्छा लगता है तो आप नहाने के एक घंटे पहले भी थोड़ी देर लगा के रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट करेगा। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट इसे हमें पकाना है। अभी अपना ये अनियन जो है वो आधे से ज़्यादा पक चुका है। अभी इसमें हम जो बाकी की चीज़ें हमें डालना है वो ऐड कर लेते हैं और फिर उसको वापस पकाना है हमें। इसके अंदर हमें आंवला का पाउडर डालना है 2 tablespoons, मेथी 1 tablespoon और कलौंजी जो अनियन के सीड रहते हैं वो 1 tablespoon और मेहंदी 1.5 tablespoons। अभी इसी को डाल के हमें वापस पकाना है। आंवला, मेथी और हिना, ये तीनों चीज़ हमारे ग्रे हेयर है उसको हेल्प करता है ब्लैक करने के लिए। आप रेगुलर लगाएंगे तो आपको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे आपके बाल सॉफ्ट मुलायम रखेंगे। ये देखिए, अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये उतार लिया है चूल्हे पे से। ये पूरा हमारा जो भी कुछ हमने डाला वो सब कुछ पूरा ब्लैक हो गया है ऑयल में उबल के। अब इसको हमें ठंडे होने देना है और फिर छान के उसको बॉटल में भर देंगे हम। अब ये ऑयल को हमें छान लेना है। देखिए, ऑयल का कलर ऑलरेडी ब्लैक हो गया है। अब इसे हम कोई भी कांच की बोतल में आप भर के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस ऑयल को आप हफ्ते में 2 दिन भी, 2 टाइम भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी आपके हेयर के लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आपके बाल बहुत ही रफ है तो आप उसमें विटामिन ई कैप्सूल जो रहती है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपके हेयर बहुत ही अच्छी तरह से और सॉफ्ट रहेंगे। ये विटामिन ए की ऑयल जो है हमें ब्रेक करके उसमें डाल देना है। 2 से 3 कैप्सूल भी आपने डाल दिया तो हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है।